आगामी त्योहार ईद उल अजहा रक्षाबंधन को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक संपन्न। सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक विजय ढुल के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए आगामी त्योहार ईद उल अजहा और रक्षाबंधन को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक पुरानी रावगढ़ पुलिस चौकी पर संपन्न हुई, जिसका नेतृत्व चौकी इंचार्ज राजेश कुमार शुक्ला ने की, जिसकी अगुवाई सिद्धार्थनगर थाना अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह ने पीस कमेटी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग भाईचारा पूर्वक त्योहार मनाएं। कोरोना महामारी चल रही है, इससे सभी परेशान हैं। कोरोना की वजह से कोई त्योहार नहीं हो पा रहा है। त्योहार परंपरा नियम वही है, 1 अगस्त को बकरा ईद और 3 को रक्षाबंधन है। जान है तो जहान है, इसीलिए वही नियम है, कोई संशोधन नहीं है। घर पे नमाज पढ़िए, रक्षाबंधन के त्योहार घर पर मनाएं, जुलूस नहीं निकालेगा। बकरा ईद का त्योहार खुले में कुर्बानी ना करें, बाहर कुर्बानी ना करें, किसी से हाथ ना मिलाएं। त्योहार को त्योहार जैसा मनाएं, इकट्ठा ना हो, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दवा अभी नहीं बनी है, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले हाथ धुले, मास्क जरूर लगाएं। अब आप स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए दूरी बनाएं। पूरब पड़ाव की स्थिति दिन ब दिन बदतर हो रही है, वहाँ मरीज बढ़ रहे हैं, अब लोग वहाँ जाँच ही नहीं करा रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, यही वजह है कि लोग ठीक हो रहे हैं। सभासद इरशाद अहमद, विजय कसोधन, ग्राम प्रधान अमीरुल्लाह उर्फ पप्पू, दीपेंद्र चौधरी, गुलाब नवी आजाद, कन्हैया वर्मा, कमल त्रिपाठी, जीसान लारी, रिजवान अहमद, शाह मोहम्मद, संजय कसोधन, मतीउल्लाह, जुबैर अहमद आदि उपस्थित रहे। कोरोना अपना पैर पसारे हुए है, इसी में आपका बकरा ईद का त्योहार है। एक तरफ आपका दीन है, एक तरफ देश है, इसके बीच आपको, इस महामारी के बीच आपको ईद मनाना, कैसे मनाएंगे, आपको क्या निर्देश मिला? देखिए, मैंने तो मेरा पहला निर्देश है कि मेरे नज़दीक दीन और वतन मूल दोनों की हैसियत ऐसे है जैसे कि ये मेरी दोनों आँखें हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे या कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उसके किसी आँख के अंदर नक्श आ जाए। इसी तरीके से हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे धर्म के अंदर कोई नक्श आए और हमारे वतन के अंदर कोई नक्श आए। तो जिस तरीके से मुल्क और वतन और इंसानियत की सलामती के लिए जिस तरीके से इससे पहले हम अपने त्यौहार को सादगी के साथ, संजीदगी के साथ घरों के अंदर मनाए हैं सहाबे करम के तरीके पर चलते हुए, इसी तरीके से हम ये बकरी भी मनाएंगे और घरों के अंदर। तो शासन द्वारा निर्देश आपको क्या मिला? ये हमको हुकूमत के जरिए यही निर्देश मिला है कि यह है कि सादगी के साथ आप ईद मनाएं, आप इज्तिमाईयत के साथ ईदगाह जा करके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हम मस्जिद के अंदर जा करके 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर लिहाज रखेंगे। ये हमको जो निर्देश दिया गया है, इससे पहले हम लोग उस पर अमल करते आए हैं और इस मौजूदा ईद उल अजहा के मौके पर भी हम करेंगे। हम हिंदुस्तान के एक वफादार शहरी की हैसियत से माजी में भी रहे, आज़ादी से पहले भी रहे, आज़ादी में भी रहे, आज़ादी के बाद भी रहे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और वतन के लिए हम कुर्बान होंगे। वो मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए हम कुर्बान होंगे, क्योंकि ये भी हमारे दीन का और ईमान का एक हिस्सा है कि हम मुल्क और वतन की हिफाजत करें। और आपका अगर कोई सवाल लगे हो तो